हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल वेदानुलेखा किचन रेसिपी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज मैं फिर आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ, जो बहुत ही बढ़िया सा बिना आटा गुने बहुत ही बढ़िया सा हमारा जो चीला तैयार होता है, जो घर के बचे हुए चावल का जो हमारा चावल बच जाता है गेहूँ के आटे से, मैंने एक बढ़िया सा नाश्ता रेडी किया है जो सब्जियों से बहुत बढ़िया भरपूर है और बहुत हेल्दी नाश्ता है। ये विद चटनी मैंने इसे शेयर किया है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक मिक्सर लिया है, इसमें मैंने 1 कप सूजी लिया है, तो सूजी आप ले लीजिएगा, कोई भी सूजी चलेगा। उसी कप से मैंने आधा कप लिया है दही, और उसी कप से मैंने 1/4 कप लिया है गेहूँ का आटा। तो गेहूं का आटा आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर 1/4 कप ही लिया है। इसके बाद मैं लूँगी 1 कटोरी मेरा बचा हुआ जो चावल बच गया था, तो इसे हम अच्छे से कर लेंगे रेडी इसका पेस्ट। तो अभी देखिए मैं हल्का सा इसे पीस लेती हूँ। तो ये देखिए हल्का सा मैंने इसे पीसा, पर ये क्या थोड़ा सा मोटा हो गया, थिकनेस आ गई, तो मैं पानी मिला के इसे दोबारा एक बार फिर से पीसूँगी। तो ये देखिए बढ़िया सा मैंने इसका एक घोल तैयार कर लिया है। ये देखिए बढ़िया सा एक घोल हो गया है रेडी। अब मैं इसे एक बर्तन पर निकाल लूँगी, तो कांच के एक बाउल में मैंने इसे निकाल लिया है। अब हम इसमें मिलाएँगे भरपूर सब्जियाँ और कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैंने इसमें मिलाया है पहले काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून, और जीरा का पाउडर जो भुना हुआ जीरा है उसका पाउडर मैंने डाला है 1/4 टीस्पून, और अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च जिसे मैंने बारीक काट लिया है, और उसी में काटा है मैंने अनियन माने 1 कटोरी हमारा प्याज, और 1 कटोरी मैंने गाजर और शिमला मिर्च लिया है, और यहाँ पर 1 कटोरी मैं ले लूँगी बारीक कटा हुआ टमाटर। और बढ़िया सा हम इसे कर देंगे मिक्स। पहले मिलाते हैं ये नमक, तो नमक में मैंने स्वाद अनुसार लिया है, और बारीक कटे हुए हरे धनिया। तो ये हमें सब मिला के अब हम इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो बढ़िया तरीके से आपको इसे मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए, लगभग एटलीस्ट 10 मिनट तो आप इसे छोड़ दीजिएगा ताकि ये अच्छे से मसाले इसमें अब्सॉर्ब हो जाए, और ये अच्छे से माने थोड़ा सा इसमें खट्टापन भी आ जाएगा दही का। तो और ये बढ़िया सा मैंने देखिए थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था तो बैटर, तो मैंने इसमें पानी डाल के इसे हल्का सा इसे पतला किया है। तो ये देखिए आप गाढ़ा आपको लगे तो पतला पानी डाल के इसे कर लीजिएगा। अब इसे मैं रख दूँगी साइड में। तो ये देखिए बढ़िया सा हो गया घोल रेडी, और थोड़े से 10 मिनट के लिए मैं इसे साइड में ढककर रख दूँगी। और हम अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में, जहाँ पर मैंने बनाई है चटनी। तो ये चटनी के लिए मैंने लिया है रोस्ट किए हुए मूंगफली के दाने, और बारीक कटी हुई 1 हरी मिर्च, और यहाँ पर हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और टमाटर मैंने लिए हैं जिसे मैंने गैस में थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था ताकि इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और 1 चम्मच मैं डालूँगी इसमें नमक स्वाद अनुसार, नमक का ध्यान रखिएगा क्योंकि मैंने इसमें भी बैटर में भी नमक डाला है, और इसे मैं कर लूँगी ग्राइंड अच्छे से हम पीस लेंगे। पहले इसमें मैंने डाल दिया है ये जीरा, भुना हुआ जीरे का पाउडर, और इसे पीस लिया है मैंने ये देखिए, और एक बर्तन पर हम इसे निकाल लेंगे। तो ये बढ़िया सा मैंने एक कटोरी में निकाल लिया, यहाँ मेरी चटनी हो गई है रेडी। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट स्टेप में, जहाँ पर मैं बनाऊँगी अपने चीले पराठे। तो ये देखिए एक पैन लिया है, इसमें मैंने हल्का सा आधा चम्मच लगभग ऑयल डाला है। अब इसे फैला के, अब ये ऑयल हो गया है गर्म, अब मैं इसमें डाल दूँगी हमारा जो बैटर तैयार किया था उसे डाल के मैं इसे फैला दूँगी। तो आपको सर्कल, गोल सा सर्कल आपको बनाना है, और ये हो गया है बढ़िया सा। अब इसे ये इसे थोड़ा सा फैला के हम 2 से 3 मिनट लगभग इसे पका लेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो में रखिएगा, हाई में मत रखिएगा, अदरवाइज़ ये जल जाएंगे, पकेंगे नहीं अच्छे से। और इसे हम ढक देंगे 2 मिनट के बाद। देखिए तो बढ़िया सा मेरा ये देखिए कितना सुंदर सा पक चुका है, सब्जियाँ भी पक चुकी है। हल्का सा ऑयल ग्रीस करके इन्हें पलटा देंगे, ये देखिए क्या बढ़िया कलर आ गया है। अब मैं इसे ढक के दूसरी ओर पका लूँगी 2 मिनट। अब ये 2 मिनट मेरे पक चुके हैं, अब बढ़िया सा मैं इसे निकाल लूँगी एक प्लेट में। अब इसी तरह हम दूसरा भी जो पराठा है चीला, इसी तरह हम बना लेंगे।
ये आधा चम्मच तेल लेके अब इसे मैंने फैला के और दूसरा चीला भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से रेडी हो जाता है ये, खाने में बहुत बढ़िया टेस्टी लगता है। तो इसे घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। और दोस्तों मेरी अदर वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेलिस्ट में जाके मेरी पूरी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। इसे ढककर मैं रख दूँगी। अब इसे देखिए हम इसे पलटा लेंगे। अभी पहले थोड़ा सा देखते हैं पका है कि नहीं, ये थोड़ा पका नहीं है, थोड़ा सा दो मिनट में इसे और पकाती हूँ। तो ये मैंने ढक दिया है, अब इसे मैं दो मिनट पकाऊंगी, फिर मैं इसे पलटाऊंगी। तो ये अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल डाल के इसे पलटा देती हूँ। ये देखिए तो बढ़िया सा हम दूसरे साइड भी इसे पका लेंगे। तो ये बढ़िया सा अब हो गया है, पक चुका है। अब इसे भी मैं प्लेट में निकाल लूँगी और पूरे चीले को हम इसी तरह हम पूरा ब्रेकफास्ट कर लेंगे रेडी। अच्छे से आपको पकाना है कि कच्चापन बिल्कुल ना रहे, तो उसे हल्का सा प्रेस करके आप पकाइएगा। ये हो गया है बढ़िया सा रेडी। अब फटाफट मैं पूरे से इस तरह चीले बना लूँगी। तो ये चलिए अब हम कर लेते हैं इसे रेडी। तो यहाँ पर मैं इसके चटनी के साथ और या फिर इसे मैं दही के साथ सर्व कर लूँगी। दोनों मैंने यहाँ पर लिया है और ये मेरा हो गया है पराठा रेडी। अब यहाँ देखिए आपको मैं बताती हूँ, बिल्कुल भी इसमें कच्चापन नहीं है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ बना हुआ है। तो आप घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कैसा लगा। और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।